तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल स्टार्ट होने वाला है। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज का सेल चलता है और अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चलता है। तो फ्रेंड्स, इस सेल में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो लोग इस सेल में बहुत कुछ बाय करते हैं, लेकिन उसके साथ हो जाता है स्कैम और फ्रॉड। मतलब कि मैं आपको 5 बातें ऐसी बताने वाला हूँ, अगर उन 5ों बात को आप लोग ध्यान में रख करके फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो इस सेल में, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और अगर इन 5ों बातों को ध्यान में नहीं रखते हो, तो आपके साथ स्कैम और फ्रॉड होना तो निश्चित है। उसके बाद हमको नहीं बोलना कि आपने बताया नहीं था। तो वीडियो के अंत तक देखते रहो, मैं 5ों बातों को बताने वाला हूँ आप लोग को कि आप लोग कौन सी 5 बातों को ध्यान में रखना है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जो सेल चल रहा है उसमें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, तो आप लोग इन 5 बातों को ध्यान में रख करके कोई प्रोडक्ट बाय करना, तब आपको साथ स्कैम और फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा कम जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। तो फ्रेंड्स, बिग बिलियन डेज का सेल भी आने वाला है और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी आने वाला है। और इसी बीच आप लोगों को क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ पर आपको बहुत कुछ सस्ते में मिल रहे होंगे। तो इसको आपको अवॉइड करना है। मतलब कि वहाँ पर जो भी लिंक आता है आप लोगों को, तो उसको अच्छे से चेक करना। ऐसे वैसे ग्रुप में मत जुड़ जाना जहाँ पर लिंक दे देता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। मतलब ऐसा भी होता है कि स्कैमर होता है, जो फ्रॉड करने वाला होता है, वो फ्लिपकार्ट की जैसा और अमेजोन की जैसा एक वेबसाइट बना लेता है और वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट कर देता है। और वहाँ पर आप जब बाय करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा सस्ते में देखेंगे, तो आप वहाँ पर सोचोगे कि इसको ऑर्डर कर देते हैं। तो वहाँ पर जब आप ऑर्डर करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर आप पेमेंट करोगे तभी वो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर होगा। और वहाँ से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हो, तो आपके घर प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा और जो आपके पैसे हैं वो फालतू में चले जाएंगे, आपके साथ स्कैम और फ्रॉड हो जाएंगे। तो आपके पास कभी लिंक आता है या फिर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करते हो सस्ते प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप ट्रस्टेड ग्रुप में ज्वाइन करना, जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं वहाँ पर बताते हैं। मतलब जो ट्रस्टेड बंदा हो उसी के ग्रुप में ज्वाइन करना, वहीं से प्रोडक्ट को ऑर्डर करना। ऐसे ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सर्च करके किसी भी फालतू फालतू ग्रुप में ज्वाइन मत हो जाना और वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर मत करना, लिंक पर भी क्लिक मत करना। लिंक पर भी क्लिक करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन में मालवेयर और वायरस आ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना। अदर लिंक्स पर क्लिक नहीं करना, जो ट्रस्टेड है उसी लिंक पर क्लिक करना। और दूसरी चीज़ कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन वेबसाइट पर जाते हो या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन ऐप से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर जो सेलर होता है वो भी स्कैम करता है। स्कैम कैसे करता है? वो अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करवा देता है अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, और आप वहाँ से ऑर्डर करते हो तो आपके पास जो सामान है वो डुप्लीकेट पहुँच जाता है। उसका जो क्वालिटी होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब कि जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो, जो सोच करके आप ऑर्डर करते हो, उससे बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके यहाँ पहुँच जाता है। तो ये स्कैम करता है, जो कि सेलर करता है। तो आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है उसका रिव्यू चेक करना। मतलब कि उसका रिव्यू 1000-2000 होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर 80-90 रिव्यू है और वहाँ पर आप रिव्यू देख लिए 4.2, 3.9 ऐसे देख लिए। मतलब कि 80-90 लोग ही रिव्यू किया है और उसका रिव्यू है वो 3.9 आ गया, 4.2 आ गया, तो उसको आपको ऑर्डर नहीं करना। वहाँ पर आपको रिव्यू चेक कर लेना, जो कि 1000-2000 लोग होंगे वहाँ पर रिव्यू किए हुए, तो वहाँ पर आपको रिव्यू चेक कर लेना, जो कि 1000-2000 रिव्यू होंगे और उसका रिव्यू 3.9 4.2 होंगे, तभी उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना। और ये तीसरा मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है फ्लिपकार्ट पर या फिर अमेजोन पर, तो उसके पास जो डिलीवरी बॉय होता है वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आता है, तो वे क्या करता है कि पैसे पेमेंट करता है और प्रोडक्ट ले लेता है और घर में जा करके ओपन करता है। मतलब कि आपके घर कोई भी डिलीवरी बॉय आया अमेजोन को या फिर फ्लिपकार्ट का, उसको आप OTP दिए और वहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी भी नहीं करवाए और आप सीधा प्रोडक्ट लेते हो और अपने घर जाके ओपन करते हो और आपके प्रोडक्ट में कुछ ख़राब चीज़ निकल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल मंगाए तो ईंटें निकल गए, लैपटॉप मंगाए तो ईंटें निकल गए। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो और आपको ख़राब चीज़ निकल जाती है, उसके जगह पर कोई और चीज़ निकल जाते हैं जो कि बेकार होता है, तो आप ऐसे में फ्लिपकार्ट को कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके पास प्रूफ ना होगा। तो इसीलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट को ओपन करते हो, तो आपको वहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी करवा लेना है और अगर वो नहीं करता है तो आपको खुद से वीडियो बनाना है वो प्रोडक्ट को ओपन करते हुए। इस चीज़ को तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बंदा आपके घर आता है प्रोडक्ट देने के लिए, तो आपको उसको सबसे पहले OTP नहीं बताना, आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ओपन बॉक्स डिलीवरी करवाना है, उसके बाद उसको OTP बताना है और पेमेंट करना है। और चौथी बात यह है कि आपको इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है,
आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो, महंगी चीज़ें ऑर्डर करो, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो, वहाँ पर पेमेंट करके ऑर्डर मत करो। यहाँ पर देखो सेलर भी यहाँ पर करता है क्या, आप कोई प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हो तो वो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब आ जाते हैं, तो वो जो पेमेंट है वो रिटर्न होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होते, जैसे कि आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करवाया, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया ओपन करते हुए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही करो। और पांचवी बात यह है कि जब भी ये फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज स्टार्ट होते हैं, अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डेज स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि फेक मैसेजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 रुपये 2 रुपये में प्रोडक्ट मिलेंगे, वहाँ पर लिंक रहेंगे, या फिर मतलब कोई रिचार्ज करने वाला ऑप्शन आ जाएगा कि फ्लिपकार्ट डेज सेल चल रहा है, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में रिचार्ज मिल रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेंगे और आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन में वायरस आ जाएंगे, मालवेयर आ जाएंगे। तो आपको वैसे ही लिंक से दूर रहना, कोई भी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं हो जाती है कि आपको 1 रुपये 2 रुपये मिलने लग जाएंगे, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होता है। तो आप लोग को ऐसे मैसेजेस से दूर रहना जो कि व्हाट्सएप पर आएंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे, फेसबुक पर आएंगे, इस तरह के मैसेज फैलना स्टार्ट हो जाते हैं जब फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो जाते हैं और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो और बाकी कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि फ्लिपकार्ट का सर्विसेज अच्छा रहता है या फिर अमेजन का सर्विसेज अच्छा रहता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अमेजन का सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ्लिपकार्ट का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप अमेजन पर ही कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना वो अच्छा रहेगा। तो मैंने बता दिया है कि आपको कौन सी 5 बातों का ध्यान में रखना है, आपको किस चीज़ को ज़्यादातर अवॉइड करना है, तो मैंने सारी चीज़ बता दिया इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं वंदे मातरम।